तो इट्स मीन जान लेना कि अगर आप किसी भी वो जो क्वेश्चन आपको आते नहीं है जिसमें वो सबसे ज्यादा राइट आंसर्स आपके लग रहे हैं सी, तो गो फॉर सी। ये आपको बिल्कुल में एक बड़ी लर्न, जो हमारे इंडिया के अंदर आईएएस कोचिंग के इंस्टीट्यूट चलते हैं वो उन बच्चों को ये ट्रिक्स देते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। और आपको जब चार की मल्टीपल चॉइस होती है तो उसके अंदर दो को तो आपको पता चल ही जाता है देखते कि ये गलत है। अब आपको दो ही के बीच में देखना है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। और सही के ऊपर आपको मैंने आज जैसे कहा कि एग्जामिनर का जिसने पेपर डाला है उसका माइंडसेट आपको एकदम पता चल जाएगा कि वो सबसे ज्यादा राइट क्वेश्चंस को किस सीरीज पे रख रहा है, बी पे रख रहा है, सी पे रख रहा है या डी पे रख रहा है। दिया अब तुक्का मारना भी आना चाहिए। फर्स्टली ट्राई टू उसके माइंडसेट को, एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करना। जो आपने 50 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए, आप उसकी 10 10 की सीरीज में देखना कि उसने कौन से राइट क्वेश्चन, ए वाले को सबसे ज्यादा राइट रखा है, बी वाले को रखा है या सी वाले को रखा है। पढ़ने बता रहा हूं कि एग्जाम क्लियर करने के, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो चाहे वो आईएएस का हो, अगर आप थारोली पढ़ते हो और उसको ट्रांसफर करते हो एक बिल्कुल बुलेट नोट्स के अंदर, तो आप कोई भी एग्जाम में रह नहीं सकते। ये कि पहले आप में से कितने प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और कितने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई हाथ खड़ा करिए। पहले प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट वाले हाथ खड़ा करिए। देखिए देखिए ना, एक्चुअली मैं मेरा पूछने और सरकार में एक आदमी ने खड़ा हाथ किया, एक बच्चे ने, उसने प्राइवेट के लिए, और थोड़े से लोगों ने सरकार के लिए, और बाकी न्यूट्रल है। इससे यह पता चलता है कि कितने लोगों के अंदर जो अपना एम है वो डिफाइंड है या नहीं है। जिंदगी के अंदर सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं। आज सरकार की नौकरी छोड़कर लोग मल्टीनेशनल और प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी जा रहे हैं, पर यह है कि आपको पहले अपना गोल समझना पड़ेगा और उसका रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको डिफाइन होना चाहिए कि ये मेरा गोल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सपने कौन कौन देखता है बताइए, सब देखते हो? अच्छा, दिन में देखते हो या रात में देखते हो? तो रात के सपने देखे हुए कभी पूरे नहीं होते। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो रात को सपने आते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सपने वही पूरे होते हैं जो दिन में आदमी जागते हुए देखता है। जागा हुआ सपना हमेशा पूरा होता है। क्यों? कि आप किसी एम को, किसी गोल को ड्रीम कर रहे हो। डीएफओ मैडम ने आपको एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात की। मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में बताता हूं, कॉन्शियस माइंड हो गया जो आपका ब्रेन, जो आप देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड हो गया आपका मन। और अगर आपको सबसे, यहां एडिक्शन की बात भी हुई कि समाज के अंदर बड़ी एडिक्शन हैं, बताइए कितने लोगों के पास एंड्रॉयड और आईफोन है, हाथ खड़ा करना। तो आपने कभी चेक किया कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है उसके ऊपर, बताइए कोई बच्चा? हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन योर मोबाइल? बताइए कोई बता सकता है कितना? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और उस 5 घंटे के अंदर आप कितना क्वालिटी टाइम उसको देखने में लगा रहे हैं।
आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जो आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाउ मच यू आर कि आपने कितना अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपने कैरियर के बारे में उसको एक्सप्लोर किया। तभी मैंने कहा मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि आपको किस दिशा में जाना है और उसके लिए क्या पढ़ना है। मैं आपसे एक मैनेजमेंट की बात करूंगा कि अपने आप को कैसे आप मैनेज करें और फिर ही आप। अब रविकांत जी कहते टीचर मत बनना। अगर टीचर कुछ लोग हम में से टीचर नहीं बनेंगे तो ऑफिसर कैसे किसी और शोबे में कैसे लोग जाएंगे। टीचर को जो गुरु का एक रुतबा दिया गया है और गुरु जो किसी को एक ट्रिम करके उसकी लाइफ को एक दिशा देके किसी अच्छा एक इंसान बनाता है, चाहे वो ऑफिसर बने, चाहे बिजनेसमैन बने, चाहे वो किसी एग्रीकल्चर की फार्मिंग में हो, चाहे डेयरी में हो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल्स दो चार बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो सीईओ हैं, कर्नल हैं आर्मी के अंदर। उनका बेटा एमबीए करके जम्मू के अंदर एक डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो जम्मू के अंदर मिलते नहीं है, यानी कि इतनी डिमांड है। घी वो बना रहे हैं, पनीर वो बना रहे हैं, दूध गाय का भी और बिपालों का भी, और तरकुटा नगर के अंदर उनके काउंटर्स भी बने हुए हैं और उन्होंने मिल्क एटीएम लगाए हुए हैं उनके अंदर लोग। और आप देखिए उस बच्चे ने सरकार के अंदर नहीं, उसने डेयरी फार्मिंग में अपना कैरियर चुना। और रविकांत वाली बात कि आप नौकरी देने वाले बनिए, लेने मत बनिए, और उसके पास कम से कम भी 100-150 लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से एक बात कहूंगा कि आप यहां एक डेडिकेटेड रूम बनाइए जिसके अंदर अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं वो उनका एक चार्ट लग जाए, और टाइम टू टाइम सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी पोस्टें जो एडवर्टाइज हो रही हैं और उनका क्या सिलेबस है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने आप को साधना है तो हमेशा 10 मिनट अपने लिए निकालिए और 2 मिनट आंखें बंद करिए, बंद करके अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करिए, उसको देखने की कोशिश करिए कि आपकी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। अगर वो आप करते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर, जो माइंड की पावर है, वो बढ़ेगी। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान 3% से ज्यादा रिटेन नहीं कर सकता अपने ब्रेन के अंदर। पर जो चीज आप देखते हो, आपको ये पता है कि ये बॉटल ब्रश का ट्री है, तो आप को कभी भी पूछ दे, आपने जो चीज देखी है वो कभी आप भूलोगे नहीं। और जो बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेक योर ग्रुप ऑफ 3 to 4 or 5 लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स का, और हर बच्चा अपने हिसाब से एक एक चैप्टर को पढ़े और उसके बाद 1 घंटा आपस में चारों लोग बैठ के उसको डिस्कस करें।